बसपा बनी मजलूमों के लिए रहनुमा, बीएसपी सांसद की हो रही है जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग्मेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी अनेकों बार ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं तो एक सामाजिक आंदोलन भी है, और ये बात तब जाकर लगातार साबित होती है कि सामाजिक तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा और दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े तमाम, खासतौर पर बहुजन समाज और इसके साथ साथ सर्वजन समाज के, अपर कास्ट के तमाम गरीब तबके के लोगों के हक अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी होती है। बता दें कि तेलंगाना से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के तमाम मजदूर कई महीनों से वहां पर फंसे हुए हैं, ईटा भट्टी में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तमाम समस्याओं और तमाम कारणों को लेकर उनको बंधक बनाया गया और उनके प्रदेश में उनको लौटने का कहने की वहां पर परमिशन, अनुमति नहीं दी गई। जिस तरीके से तमाम प्रदेशों से जो लोग मजदूरी के लिए, दो पैसे कमाने के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में पहुंचते हैं, और इन्हीं मजदूरों ने छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना को चुना और तेलंगाना में वो मजदूरी कर दो वक्त की रोटी कमा रहे थे, लेकिन ईटा भट्टी और तमाम मजदूरी काम करने के बावजूद भी जो ईटा भट्टी के मालक हो या फिर उस प्रकार की तमाम जो चीजें उनके साथ में होती है उनके आधार पर उनको रोकने का, उनको बंधक बनाने का काम किया गया। ये जब खबर बहुजन समाज पार्टी पर के तमाम पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को पहुंचती है तो मसले को पूरी तरीके से जांच पड़ताल, संज्ञान कर उन तमाम मजदूरों को छुड़ाने का काम किया जाता है, उनको अपने प्रदेश में भेजने का काम किया जाता है। इस पूरे के पूरे मसले पर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा वो चीजें आपके साथ में रूबरू करवाऊंगा। तो आप साफ तौर पर यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने इस मसले पर जो अपना ट्वीट यहाँ साझा किया है वो ट्वीट से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ, जहां पर इनका कहना है कि आज तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 10 मजदूरों को कई महीनों से ईंट भट्टे पर बंधक बनाया गया था, उनको आज काफी प्रयास से ढूंढ बीएसपी की टीम ने छुड़ाकर उनको उनके घर भेजा। बीएसपी मात्र पार्टी नहीं तो गरीबों की ताकत, और आज पार्टी इन्हीं के पैसों से चलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं। तो यहां पर तो तमाम दो चीजों को निशाना करते हुए यहां पर रामजी गौतम, इन्होंने कहा है कि किस तरीके से पार्टी हर एक वो तबके के साथ में खड़ी रहती है जिसमें ये मजदूर सबसे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जो दलित, आदिवासी, खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज से आते हैं और सवर्ण समाज में से यानी कि देखने को मिलते हैं। जो छत्तीसगढ़ से जो तमाम मजदूर, 10 मजदूर थे, कई महीनों से तेलंगाना में फंसे हुए थे, उनको बंधक बनाया गया था, उनको छुड़ाने का काम काफी प्रयास कर बहुजन की जो सूर्यपेट की टीम है इसने किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रामजी गौतम का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ये सिर्फ पात्र पार्टी नहीं है, ये गरीबों की ताकत है, वो उनकी आवाज है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इन्हीं दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज और मजदूर और किसानों के पैसों से चलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं। आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम जो आंकड़े जारी किए गए और इस आंकड़ों में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान नजर नहीं आता, मतलब साफ है कि बहुमती और धन्ना सेठों के पैसों के बदौलत नहीं चलती, अपने जो गरीब समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, इनके पैसों के समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी वक्त के मुताबिक हर एक तबके के साथ में अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले का संज्ञान लिया और जिन मजदूरों को छुड़ाने का काम किया, जिन मजदूरों को रिहा करवाने का काम किया और अपने प्रदेश में भेजने का काम किया, उन मजदूरों ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन मजदूरों ने क्या कुछ कहा वो भी आपके साथ में रूबरू करवाऊंगा। साफ आया है हम लोगों को, थोड़ा धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम मजदूरों के जरिए धन्यवाद अदा करने का काम किया, उन्होंने शुक्रिया कहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सूर्यपीठ की टीम ने उनके पास में आकर उनकी तमाम समस्याओं को समझकर उनको वहां से रिहा करने का काम किया, वो जो बंधक बनाया गया था उनको अपने प्रदेश में भेजने का काम किया गया है,
और उसके साथ साथ इंजीनियर रामजी गौतम इनका भी धन्यवाद अदा करने का काम मजदूरों के जरिए किया गया है। मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी दलित आदिवासी पिछड़े तमाम तरीके से जो मजदूर है किसान है इनके साथ इनके हक अधिकारों लड़ाई में तो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आती है। ऐसे में इस कदम को लेकर भी इंजीनियर रामजी गौतम इनकी बड़ी प्रशंसा होते हुए नजर आ रही है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।